भाई साहब ये है हमारा ट्री हाउस जो कि आप लोगों ने बोला था कि बनाओ, और साथ ही साथ में आप लोगों ने ये भी बोला था कि एक 7-star लग्जरी ट्री हाउस बनाओ। तो गाइस अब जो आधा काम है वो तो हो गया था, आधा बचा है और वो करने हम सब लोग जो है आ चुके हैं। भाई साहब अभी फिलहाल ये जो है सिर्फ और सिर्फ ढांचा खड़ा है, सिर्फ जो ट्री हाउस है वो बना था, उसके अंदर से एकदम खाली था, बाहर से एकदम खाली था। अब बनाएंगे इस घर को एक रहने लायक। गाइस हम अगर इस चीज़ को एक वीडियो में करते तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती, इसीलिए दूसरा पार्ट है, लेकिन यकीन मानिए फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा मज़ा इसमें आने वाला है। पहले में तो सिर्फ ट्री हाउस बना था, लेकिन अब जो है वो ट्री हाउस एक घर बनेगा। अब वो हाउस की जगह एक होम हो जाएगा जिसमें बंदा आराम से रह सके। इसके अंदर गाइस ज़रूरत का सारा सामान होगा, अगर गर्मी लग रही है तो हवा की व्यवस्था भी होगी, अगर अंधेरा है तो बिजली की व्यवस्था भी होगी, बैठने की हर चीज़ की जो हमको करना पड़ेगा, कलर पेंट करना पड़ेगा। अभी तो एकदम रौसा दिख रहा है भाई, बहुत सारा काम है, इसीलिए सब लोग वीदियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना। ये जो वीडियो है ये शायद अब तक की हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। इतने लोगों ने कहा, हमारे इतने सब्सक्राइबर्स ने कहा कि एक 7-star ट्री हाउस बनाओ भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। तो हम गाइस क्यों नहीं बनाएंगे, ज़रूर से बनाएंगे। और आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करेंगे गाइस, जरूर से करेंगे। सभी लोग जो है अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, पहले बटन दबाओ गाइस। दबा दिया गाइस, दबा दिया, नहीं दबाया, दबाओ गाइस, जल्दी 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 दबाओ, दबाओ दबाओ गाइस, मजा आएगा। देखो एक बार दबा के देखो, सब्सक्राइब बटन दबाओगे मजा आएगा। ठीक है गाइस फटाफट से शुरू कर, नहीं दबाया गाइस, जल्दी करो यार सब्सक्राइब करो फटाफट से, शुरू करते हैं। अब इसको मज़ेदार बनाने में जो है 7-star बनाने में, 7-star का मतलब है कि सुख सुविधाएं उसके अंदर सारी हो, मज़ा भी आए, तो वो बनाने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऊपर चढ़ते हैं अपना सामान लेकर के और फिर देखते नहीं, सामान लो पहले फिर चलेंगे। आ जाओ आ जाओ। गाइस सेफ्टी की टेस्टिंग है यहाँ पर, देखो मैं पूरा हवा में हूँ क्योंकि भाई साहब बाहर पेंट करना है और इसीलिए सेफ्टी हार्नेस जरूरी है। यहाँ पर गाइस हमने पेंट जो है वो रेडी कर लिया है, ये है रेड कलर का, ब्लैक भी चाहिए होगा, व्हाइट भी चाहिए होगा, देखते हैं कौन कौन सा कहाँ कहाँ करना है। और भाई साहब 25 फीट की ऊंचाई पर एक पेड़ के ऊपर पेंट करना है यार, पहले कभी नहीं किया जिंदगी में, आज पहली बार ट्राई करेंगे। तो गाइस लेकर प्रभु का नाम करते हैं पेंट शुरू, और इतना डर मेरे को पहले नहीं लगा था जितना अब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान यार बांस के ऊपर है। यहाँ पर पता है एक दिक्कत आ रही है, यहाँ पर उल्टे बांसों के ऊपर पेंट करना पड़ रहा है, बांस का जो अंदर का हिस्सा है तो उसमें चारों तरफ ब्रश घुमानी पड़ रही है। हर बार मैं कितना ही जल्दी पेंट कर दूँ, आज जल्दीबाजी नहीं हो रही भाई, क्योंकि जहाँ बैठा हूँ देखो नीचे आराम से होगा। गाइज यार आज अगला दिन है और आज हम लोग जो है काम करने लग गए थे, ये चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यार क्योंकि पेड़ के ऊपर है, लेकिन आज एक नई समस्या आ गई है और वो है यहाँ पर एक नया चैलेंज हमारे लिए आ गया है। हमारा जो ट्री हाउस है उससे जस्ट 2-3 feet की दूरी पर मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता लग गया है। कल शाम तक ये नहीं था, हमने जो है अंधेरा होने के बाद में भी काम किया था, कुछ भी नहीं था, कोई मक्खी नहीं थी, लेकिन अभी पूरा छत्ता इसके बगल में आ गया है और यहाँ पर अब हमको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर वो ज़रा सी भी छिड़ी तो इनके अंदर इतनी मक्खियाँ हैं कि अगर 20-30-50 ने भी काट लिया तो भाई साहब बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो जाएगी।
फाइनली यहाँ पर फिर से कई दिन की मेहनत के बाद में जो ट्री हाउस था, जो आप लोग कह रहे थे कि उसको लग्जरी बनाओ, 5 स्टार बनाओ, 7 स्टार बनाओ, वो बन करके तैयार हो गया। और अब बारी है गाइस रिवील करने की, आपको दिखाने की हमने क्या बनाया है इतना सारा काम करके। भाई साहब जो चीज है वो बनी है देखने लायक, और उससे भी कहीं ज्यादा बात ये है कि चीज ही कुछ ऐसी है पेड़ के ऊपर घर, और इसलिए और भी ज्यादा मजा। तो गाइस यहाँ पर है हमारा लग्जरी ट्री हाउस, और आप लोग देखो भाई साहब इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कितना जबरदस्त लग रहा है। यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर रेड, व्हाइट और बैम्बू जो बांस होता है उसका नेचुरल कलर, सभी का कॉम्बिनेशन बना करके हमने इसको एक अलग थीम देने की कोशिश करी है, ताकि ये अलग ही दिखे, दूर से ही दिखे, और वाकई में ये जो है एकदम डिफरेंट दिख रहा है। पिछले वीडियो में जो है सब कुछ रॉ था, उसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली ट्री हाउस था, लेकिन इस बार गाइस ये बन चुका है एक लग्जरी ट्री हाउस। लेकिन मजा ये नहीं है, मजा तो है इसके अंदर। तो एक बार गाइस देखते हैं, आप देख लो पहले इसको अच्छे से। और भाई साहब इसको बनाने में यार फिर से कई दिन लग गए इस सिर्फ इसको लग्जरी बनाने में। तो अब चढ़ते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं कि जो अंदर का मजा है, जो लग्जरी ट्री हाउस का मजा है, वो कैसा होता है। तो गाइस करते हैं गृह प्रवेश एक बार फिर से हमारे लग्जरी ट्री हाउस का। तो भाई साहब ये है वही सीढ़ी जिसकी मदद से हम पिछली बार भी चढ़ रहे थे, और आप देखो ऊपर पेड़ है और कुछ भी नहीं है, चारों तरफ में जो है ट्री है, और इधर पे हमारा ट्री हाउस, लेकिन यहाँ से कुछ ज्यादा दिख नहीं पा रहा है। गाइज यहाँ पर है कैमरा, इधर है ट्री हाउस, और यहाँ पर लगी है घंटी, और ये गाइज इसलिए है ताकि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जो है गाइज क्या दबा लो, ये ठीक है गाइज, जो बेल है उसको जरूर से दबा लीजिए। तो अब चलते हैं गाइज घर के अंदर, और गाइज यहाँ पर मैं आ गया हूँ हमारे लग्जरी ट्री हाउस के अंदर। और भाई साहब पहले में और अब में बहुत डिफरेंस हो गया है। तो गाइज अब आपको वो दिखाते हैं, कैमरा पकड़ना जरा। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं फिलहाल हमारे लग्जरी ट्री हाउस के अंदर। अंदर तो आ गए हैं, लेकिन जो सबसे पहली चीज है जो मुझे फील हो रही है, बाहर रोशनी ज्यादा है लेकिन अंदर रोशनी कम है, और इसका रीजन है कि अब लगभग चारों तरफ से जो है बंद हो गया, खिड़कियां वगैरह ही खुली हैं गाइज इस वजह से, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमारे पास में गाइज, क्योंकि लग्जरी चीज है। और यहाँ पर है गाइज पावर का सिस्टम, पूरी तरीके से ये जो हाउस है, ये जो घर है, इसके अंदर बिजली की व्यवस्था है गाइस। सिंपली हमको इन प्लग्स को इसके अंदर लगाना है और स्विच को ऑन करना है, स्विच पहले से ही ऑन है। तो गाइस यहाँ पर जो लाइट है वो जल चुकी है, और आप लोग देख सकते हो कि कितनी मस्त जो रोशनी है वो यहाँ पर इसके अंदर हो गई। यहाँ पर है गाइस काफी मस्त मस्त एकदम बढ़िया वाले सोफा सेट, और ये जो है ना ये हमने इस बार गाइस नेचुरल वाले लिए, जो कि इस तरीके से लकड़ियों से या फंटियों से बनते हैं। वहां पर एक और ऐसा ही सेट है, ये है रेड कलर का, वो है ब्लू कलर का। किसी और को बैठना है तो यहाँ पर लैपटॉप को हटा करके इसके ऊपर भी बैठा जा सकता है, ये भी जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। नीचे जो फ्लोर है गाइस उसको हमने कवर किया है यहाँ पर घास में, ये है गाइस ग्रास, लेकिन ये जो है गाइस नेचुरल ग्रास नहीं है, ये सिंथेटिक ग्रास है, लेकिन फीलिंग जो है सोचो पेड़ के ऊपर घास वैसे तो उगेगी भी नहीं, तो यहाँ पर एक बहुत मस्त वाली फीलिंग आ रही है। गाइस ट्री हाउस में गर्मी भी लग रही है यार, क्योंकि बाहर हवा थोड़ी कम है, उसका सोल्यूशन अभी दिखाएंगे। उससे पहले ये जादू देखो गाइस, यहाँ पर इस टोंटी में से पानी आ रहा है, लेकिन इस टोंटी के पीछे गाइस कोई पाइप नहीं है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो, इसके पीछे कुछ भी नहीं लगा है जिसमें से पानी आए, लेकिन इसके अंदर पानी जा रहा है। तो गाइज ये एक गैजेट है जिसमें जो पानी है वो कुछ इस तरीके से गिरता है कि हमको इल्यूजन होता है कि यहाँ पर जो है जो पानी है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है इस टैप में से, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में भाई इसी में से पानी आता है और इसी में से जाता है, वो सिस्टम ही ऐसा है। पहले बात करते हैं डेकोरेशन की। तो गाइज यहाँ पर देखो कितने सारे हमने आइटम्स रखे हैं, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। इधर देखो यार गाइस कितने क्यूट क्यूट चीज़ें हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, यहाँ हंसों का जोड़ा है ग्लास में, दोनों साइड में पेड़ रखे हैं। यहाँ पर है गाइस
एक ऐसी चीज जिसकी मदद से गांव में मसाले या किसी भी चीज को साफ किया जाता है। छोटे साइज का है लेकिन मस्त लग रहा है, थीम अच्छी दे रहा है। घड़ी बहुत जरूरी होती है टाइम देखने के लिए, तो भाई एक फुल साइज की घड़ी वहां पे लगी है। और जो गर्मी का इलाज था गाइज वो है यहाँ पर एक पंखा, इसको चला सकते हैं गाइज। और अब जो है और भाई साहब इतने छोटे रूम के लिए इस साइज का पंखा जो है वो मोर देन इनफ है। यहाँ पर हमारे पास में एक ब्लूटूथ स्पीकर है, ये जो है एक लालटेन की शेप में है, तो जो लैंटर्न है उसका जो लुक है वो इसको एक ज़बरदस्त वाली फीलिंग देता है। लेकिन साथ ही साथ में इसमें से साउंड भी बजता है, ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करके जो हम बजा भी सकते हैं। जो छत है वो लकड़ी की थी पहले, अभी हमने उसके ऊपर जो है वाइट कलर का पेंट कर दिया है, तो अभी ये भी जो है एकदम VIP लुक वाली हो गई है। नीचे गाइज कुछ हुक्का वुक्का भी ऐसे रखे हुए हैं जस्ट डेकोरेशन के लिए। ये है गाइज एक मिट्टी का सिलेंडर, यहाँ पर कुछ और देखो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर छोटी छोटी मजेदार वाली गाड़ियां रखी हुई है जो कि इस तरीके से चलती भी हैं। ये एक आर ग्लास यहाँ पर गाइस लगा हुआ है, इसको उल्टा करते हैं तो इसमें से देखो इसमें से जो रेत है वो नीचे गिरती रहेगी। और यहाँ पर है गाइस एक और चाबी भरने वाला सिस्टम, यहाँ पर ये घूमता रहेगा और आवाज़ करता रहेगा, देखो ये नेचुरल आवाज है इसके अंदर। ऊपर जो है कुछ गाइस रोबोट्स रखे हुए हैं और एक गुल्लक रखी हुई है। ये है एक तितली, यहाँ पर है गाइस एक लव का निशान जो कि है आप लोगों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। अगर लाइट को बंद करें तो एक बहुत ही मजेदार चीज है गाइस यहाँ पर जो कि है यहाँ पर, ये है मोमबत्ती। अभी तो दिन का टाइम है तो थोड़ा सा ये ऐसे दिख रही है यहाँ पर, देखो गाइस। और ये जो हमेशा जलती रहती है क्योंकि ये जो है गाइस बैटरी पावर्ड चीज़ें हैं। और हमें सबसे पहले यार इसमें पेंट करने में, इतनी सारी चीज़ें लगाने में, यहाँ पर हमने रेड के ऊपर जो है ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया, यार ये बहुत कुछ किया है, एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और गाइस ये है हमारा मिनी फ्रिज जिसके अंदर एक तो फिज की बॉटल है, पानी की बॉटल भी है। तो फिलहाल मुझे गाइस प्यास लगी है, एक यार फ्रिज तो होना ही चाहिए गाइस, नहीं तो जो है लग्जरी क्या रहेगा। और अब चलते हैं गाइस इससे बाहर। और गाइस फिलहाल अभी मैं अपने लग्जरी ट्री हाउस के बालकनी से आपको देख रहा हूँ। गाइस इस साइड से अगर आप व्यू देखेंगे तो पेड़ दिखेगा, इधर भी पेड़ है, बीच में खाली जगह है। लेकिन अगर आप उधर से देखेंगे तो आप देख सकते हो कि कितना मजेदार यहाँ पर गाइस दिख रहा होगा। मैं इमेजिन ही कर रहा हूँ, जमीन से लगभग 25 फीट हम ऊँचा है। और यहाँ पर देखो बाहर, देखो गाइस बाहर जो है ना, यहाँ पर जो बालकनी है उसमें भी हमने घास डाली हुई है। गाइस पिछली बार जो है खिड़कियाँ नहीं थी, लेकिन इस बार जो विंडोज़ हैं वो भी आ चुकी हैं। पहले विंडो दिखाते हैं यार, यहाँ पर ये है विंडो। और जैसे ही अगर हमको और ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए हो तो विंडो को हम लोग बंद कर सकते हैं। और अभी जो घर है ये एकदम इस साइड से भी क्लोज हो गया है, बाहर से किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जब खोलना हो तो कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं। और भाई साहब हम आ गए हैं वापस से बाहर खुली हवा में, चलते हैं बालकनी में। बालकनी में गाइज एक डस्टबिन सबसे पहले तो यहाँ पर, सूखा कचरा और गीला दोनों के लिए, ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ऊपर से कचरा ज़मीन पर फेंकना बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो गाइज अब आपको दिखाते हैं इस हमारे लग्जरी ट्री हाउस को बाहर से, ऊंचाई पर हैं तो ध्यान हमेशा रखने की ज़रूरत है गाइज, क्योंकि पेड़ है और पेड़ से गिरे तो भाई यहाँ पर आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लग्जरी ट्री हाउस से बाहर आ करके गाइज घूम भी सकते हैं पेड़ के ऊपर। यहाँ पर जो मेरी पहुँच है वो जाएगी लगभग यहाँ तक, एकदम सेफली, क्योंकि मेरे हाथ में पकड़ने के लिए कुछ है। जाने में इससे आगे भी जा सकते हैं लेकिन वो जो है थोड़ा सा अनसेफ हो जाएगा। नीचे बहुत सारे कटीले पेड़ भी थे गाइस जो आपने शुरू में देखे होंगे, लेकिन अभी अभी अगर आप नीचे देखेंगे हमने इसको पूरा जो है क्लीन करवा दिया। जो पेड़ वगैरह यहाँ पर थे कटीले वाले उन सबको हटवा दिया। और भाई जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा ढांचा है वो इतना मजबूत है यहाँ पर। लेकिन भाई एक बात फिर भी आपको बता दूँ, रिस्क हमेशा है यहाँ पर। क्या हुआ भाई, घंटी कौन बजा रहा है? कोई नहीं है घर पे। अभी घर में कोई नहीं है, घर में शूटिंग चल रही है। अगर किसी को अंदर आना तो घंटी बजा के आ सकते हैं। गाइस ये देखो जो मधुमक्खियाँ हैं उन्होंने हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर जो है छत्ता बना लिया है। और इसी डर की वजह से अब हम इस पुली वाले सिस्टम को तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये इसके बहुत पास आता है। हम इस गेट को ही नहीं खोल रहे हैं गाइस, ये जानवर है, इनकी ज़िंदगी, ये इनका घर है, ये हमारा घर है, इनको इनके हवाले छोड़ते हैं, हम अपने हवाले रहते हैं, आपस में डिस्टर्ब नहीं करें नेचर को तो बढ़िया रहता है। इतना ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, इतने ज़्यादा लोगों ने कहा कि भाई साहब ट्री हाउस बनाओ, लग्जरी ट्री हाउस बनाओ। गाइस किसी ने नहीं किया, हमने सोचा ही गाइस हम करेंगे, आपकी इस तमन्ना को हम पूरा करेंगे। और गाइस हमने कर भी दिया है, यहाँ पर मज़ा बहुत आ रहा है।
अब यार गाइस आप लोग भी यार थोड़ा सा प्यार दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो हमने इतनी जितनी मेहनत करी, जितने दिन लगाए, जितना टाइम लगाया, वो सारा का सारा हम वसूल मानेंगे अगर आपका थोड़ा सा प्यार हमें मिल जाए तो। घर के अंदर लाइट है तो बाहर भी होनी चाहिए ना, जलाओ भाई लाइट। यहाँ पर है जो दूसरा बल्ब और ये जो है घर के बाहर रोशनी रखता है। भाई सब चीज़ें होनी चाहिए यार, कमी कुछ नहीं रही गाइस, तो आपकी तरफ से भी कमी नहीं रहनी चाहिए लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। लाइक कर दो यार, अपने ही लोग हैं सारे, अपनी फैमिली है, अपने ही सब्सक्राइबर्स, अपनी फैमिली है गाइस, तो आप बोलोगे और ये लोग नहीं करेंगे ऐसा थोड़ी ना होगा, सब लोग करेंगे और इतना प्यार जो है मिल ही रहा है भाई। और भाई जिस दिन ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टेंशन हो, उस दिन अगर यहाँ पर अपने ट्री हाउस में इस तरीके से अगर पैर लटका करके नीचे बैठेंगे भाई साहब, सारी टेंशन सारी थकान दूर हो जाएगी। ये देखो कोयल बोल रही है। ये देखो गाइस, तो भाई साहब फिलहाल रात हो चुकी है, काफी मस्ती इसके अंदर हम लोग कर चुके हैं और यार गाइस वास्तव में बहुत ही सुकून वाली जिंदगी पेड़ के ऊपर बने हुए घर के अंदर होती है, हो रही है, हम लोग देख रहे हैं हमारे सामने। और अभी देखो बाहर जो है वो गाइस एकदम अंधेरा है, जो पेड़ है वो दिख रहा है जरूर से क्योंकि हमारे घर के ऊपर जो है लाइट लगी हुई है और इसी वजह से यहाँ का नजारा दिख रहा है। और बाहर से भी जो नजारा है ना वो वाकई में यहाँ पर काफी जबरदस्त दिख रहा है भाई साहब। ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इस साइड में भी आप लोग देख सकते हो, वैसे तो आपने गाइस पूरा देख लिया। और यहाँ पर पता है गाइस अब एक रिस्क होने लग गया है, मधुमक्खियाँ जो हैं, जो छत्ता यहाँ पर लगा है रिसेंटली उसमें से आ रही हैं, और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब यहाँ से उतरते हैं क्योंकि हम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अगर ये छिड़ गई तो भाई हमारा यहाँ से जीना मुश्किल हो जाएगा, तो अब हम लोग भी यहाँ से बस भागने वाले हैं गाइस, क्योंकि 5-6 मक्खियाँ आ चुकी हैं, ये लाइट की वजह से आ रही है मेरे हिसाब से अंधेरा होने के बाद में, तो रिस्क नहीं लेंगे। आप सब लोग वीडियो के लिए भाई साहब लाइक का बटन जरूर से दबा देना, सब लोगों का लाइक करना जरूर से बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। ये जो वीडियो है इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, तो गाइज बहुत सारा प्यार देना आपके लाइक्स के रूप में। इस वीडियो के ऊपर लाइक का एम रख रहे हैं गाइज 2 मिलियन लाइक्स का, 20 लाख लाइक्स आपके लिए कुछ नहीं है, इस चीज के लिए कुछ नहीं है, ठोक दो गाइज। सब्सक्राइब का जो बटन है वो भी ठोक दो ताकि ऐसी मजेदार वीडियो और आती रहे। इस ट्री हाउस में और क्या करना है वो भी बता देना, और नया क्या बनाना है वो भी कॉमेंट्स में बता देना, सारी कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं भले रिप्लाई ना कर पाए यार गाइस। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और अब हम लोग भगते हैं यहाँ से, लाइटें बंद करो और चलो।